आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आरा भोजपुर में विषय शिक्षा में नवाचार एवं आधुनिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रासंगिकता के संदर्भ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के वक्ताओं ने उक्त विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन चीफ पैटर्न शांति अग्रवाल TNA एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन आरा एवं महाविद्यालय के सक्रिय सचिव डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल के द्वारा संरक्षित इस राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण चंद्र सिन्हा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश कुमार सिंह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना रहे। वहीं बता दें कि रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रणविजय कुमार वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह माँ आरण्य देवी बीएड कॉलेज आरा, डॉक्टर कुमार कौशलेंद्र जे कॉलेज आरा, डॉक्टर विशाल कुमार जायसवाल एवं यज्ञ नारायण तिवारी समेत सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं बता दें कि राष्ट्रीय सेमिनार के प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण चंद्र सिन्हा कुलपति नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश कुमार सिंह रजिस्ट्रार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना तथा महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल के कर कमलों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर गणेश एवं सरस्वती वंदना के साथ सेमिनार का विधिवत उद्घाटन किया गया। वही बता दें कि महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल एवं प्राचार्य डॉक्टर राहुल कुमार पांडे द्वारा मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में महाविद्यालय के एडवाइजर कमेटी के मेंबर इंजीनियर धीरेंद्र सिंह सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों ने सेमिनार में उपस्थित समस्त रिसोर्स पर्सन को अंगवस्त्र से सम्मानित किया। बता दें कि कार्यक्रम के प्रारंभ में महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सेमिनार कन्वेयर डॉक्टर राहुल कुमार पांडे ने सेमिनार के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए महाविद्यालय में आयोजित की जाने वाली समस्त गतिविधियों से परिचय कराया। वहीं उद्घाटन के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए सेमिनार के मुख्य अतिथि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण चंद्र सिन्हा ने कहा कि पुरानी और नई शिक्षा नीति में कोई विशेष अंतर नहीं है। इस शिक्षा नीति पर विशेष जोर इस बात पर दिया गया है कि बच्चों को सिखाना कैसे है। वहीं इस शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने पर विशेष जोर दिया गया है। बता दें कि इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश कुमार सिंह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना ने भी सेमिनार के विषय को रेखांकित करते हुए कहा कि रिसर्च का मतलब सर्च करना है और हम ऐसा रिसर्च करेंगे वो केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि विदेशों में भी सिद्ध हो सके तथा नैनो टेक्नोलॉजी में न्यूटन के थर्ड लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बता दें कि महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने सेमिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं आमंत्रित विशेष गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए समस्त प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि इस सेमिनार से शोधार्थियों को जो लाभ मिले उसका जीवन में आकलन करना चाहिए। सेमिनार के कीनोट स्पीकर जे कॉलेज आरा के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर कुमार कौशलेंद्र ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले की जो शिक्षा नीतियां हुई वह पूरे भारत में लागू नहीं होती थी, यही एकमात्र ऐसा शिक्षा नीति है जो पूरे भारत में सभी स्तरों पर लागू है। वहीं बता दें कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रोफेसर डॉक्टर रणविजय कुमार वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस धरा पर हम इस नई शिक्षा नीति का प्रयोग कैसे करेंगे, इस पर गहन अध्ययन करने की जरूरत है। इसी क्रम में यज्ञनाथ तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता आरा और रमाकांत चौबे ने भी अपने विचार रखे। वहीं बता दें कि राष्ट्रीय सेमिनार के द्वितीय सत्र के सेशन चेयर डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह माँ आरण्य देवी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आरा एवं डॉक्टर विशाल कुमार जायसवाल DCS के मऊ उत्तर प्रदेश के समक्ष समस्त प्रतिभागियों ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। वहीं बता दें कि कार्यक्रम का सफल संचालन सचिव डॉक्टर मनोज कुमार उपाध्याय ने किया तथा आभार नीरज तिवारी ने किया।
वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक पीएम जैना, अजीत कुमार सिंह, राजेश्वर विश्वकर्मा, विभागाध्यक्ष चंदन कुमार गुप्ता, के वी यादव, रामू प्रसाद, विजय कुमार झा, कमलेश कुमार, बिंदी कुमारी सहित समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रशिक्षु भी मौजूद रहे। आज जो राष्ट्रीय संविधान का विषय है, जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसमें शिक्षक शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण के शिक्षा में नवाचार मतलब एक्सपीरियंस और नए नए एक्सपेरिमेंटल जो जैसे डिजिटलाइजेशन के विषय में क्या शिक्षा नीति में इसका प्रभाव पड़ेगा आगे के टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, उसके विषय में शोधार्थी यहाँ अपने विचार व्यक्त करेंगे और विद्वान अपने विचार व्यक्त करेंगे। कहाँ कहाँ से गणमान्य लोग आए हुए हैं? एक तो वीसी है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के, रजिस्ट्रार हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के, HOD हैं कौशलेंद्र जी जो जगजीवन कॉलेज से हैं, इसमें उत्तर प्रदेश से मऊ से बलिया से और पटना के लोग आए हुए हैं। ये सेमिनार कितना दिन तक? दो दिवसीय सेमिनार। ठीक सर, कॉलेज का नाम बता दीजिए। हरकिशोर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। आरा से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।